उत्तराखंड के नैनीताल में मंगलवार देर रात सीमेंट से भरा डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसका चालक छिटक कर दूर जा गिरा। पुलिस टीम ने रात्रि में ही खोजबीन कर घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। नैनीताल से कुछ दूरी पर गेठिया के समीप खूपी में देर रात सीमेंट और सरिया लेकर हल्द्वानी से अल्मोड़ा जा रहा डंपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डंपर लगभग 50 फीट गहरी खाई में जा गिरा, जहां पानी के तेज बहाव वाले नाले में चालक लापता हो गया। सूचना मिलने पर नैनीताल और जूलीकोट पुलिस मौके पर पहुंची और सवारों की तलाश में जुट गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि भूमियाधार के समीप खूपी पुल के पास डंपर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। पुलिस ने चंपावत निवासी 44 वर्षीय चालक राजेंद्र सिंह अधिकारी की खोजबीन शुरू की। बरसात, अंधेरा और पानी के तेज बहाव के बीच लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पुलिस को राजेंद्र घायलावस्था में मिल गया। राजेंद्र को गंभीर चोटें लगी थी, जिसे स्ट्रेचर से उठाकर सड़क तक लाया गया। घायल राजेंद्र को 108 एम्बुलेंस सेवा से नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने डंपर स्वामी को इसकी जानकारी दी। कल रात 11 बजे के लगभग चौकी चोरी को सूचना मिली थी कि भूमियाधार पुल के पास नहर में डंपर गिर गया। इस पर सूचना पर चौकी चोरी को और मुंबई फोर्स के मौके पर पहुंचे तो डंपर चालक को वहां पर रेस्क्यू किया गया। तो काफी चोट लगे, गंभीर चोट, और चालक को बीडी पांडे अस्पताल।